और बिहार के कई जिले में नदियों का जलस्तर घटने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिलती दिख रही है। बाढ़ के बाद कटाव से लोग दहशत में हैं, हालात ये हैं और इसी बात से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि लोग अपने ही हाथों अपना आशियाना उजाड़ रहे हैं। तो बगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट जरूर आई है लेकिन 1,31,000 रेस्क्यू डिस्चार्ज किया गया है और वाल्मीकि नगर बराज पर ये डिस्चार्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको बगहा से बता रहे हैं, बाढ़ के नीचे लोगों को राहत मिली है। और एक तरफ जहां बिहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ से बेहाल है तो दूसरी तरफ बाढ़ पर जमकर सियासत की जा रही है। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने राज्य सरकार पर सवाल किया तो एनडीए नेताओं ने पूछ लिया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां हैं। एक तरफ बिहार के लोग बाढ़ से बेहाल हैं तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव दुबई में सैर सपाटा कर रहे हैं। कोसी समेत कई नदियों का पानी भले ही घट रहा हो लेकिन बिहार के लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। आज भी न जाने कितनी ही बेहाल कहानियां तस्वीरों में तैर रही हैं। अब सुपौल से आई तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। जिस जगह पर भरा पूरा गांव हुआ करता था आज वहां नदी की धार बह रही है। लोगों के घर पानी में पत्ते की तरह बह गए हैं, बच गया है तो बस घरों की निशानी और बेहिसाब परेशानी। पूरा बह गया, जो था वो सब चला गया, रात में चले का एक, अब ऐसा कुछ नहीं बचा। अब मजबूरन लोग बांध पर शरण लेने को मजबूर हैं, लेकिन बेहाल करती बाढ़ की तस्वीरें सुपौल तक ही सीमित नहीं है। अब इनको देखिए, ये है किशनगंज के कोल भिट्टा गांव के निरुल हक। बड़ी हसरत के साथ पक्का मकान बनाया था सोचकर कि परिवार के साथ सुकून की जिंदगी जिएंगे, लेकिन आज अपने ही हाथों से अपने आशियाने को उजाड़ने को मजबूर है। नहीं तो उफनाई नदी घर के साथ सब कुछ बहाकर ले जाएगी, जैसे गांव के बाकी लोगों के घरों के साथ हुआ है। घर वो भी कटा करके जा रहा नदी में, तोड़ रहा हूँ इसके वजह से। हम अब क्या कर रहे हैं, मजबूर में हम हालत देख करके हम घर तोड़ रहा हूँ। भागलपुर के मसाड़ू गांव का एक परिवार तो किशनगंज के निरुल हक से भी बदनसीब निकला। इस गांव की विमला देवी की मौत ट्रेन से कटकर हुई थी। घर वाले अंतिम संस्कार करने गए तो नदी की धार घर को बहा ले गई। अब घर वालों की कुछ समझ नहीं आ रहा, हालात पर रोए या फिर अपनी किस्मत पर। बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अररिया शहर में परमान नदी का पानी घुस चुका है, साथ में बाढ़ के पानी में डूब चुका है भगवान का मंदिर कहा जाने वाली नानू बाबा की कुटिया। कुछ ऐसा ही हाल दरभंगा में भी है। नेपाल में